ज्योतिष के रोचक वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द एस्ट्रो विद्यालय चैनल को और पास में बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है कैसे होते हैं वृश्चिक राशि और लगन वाले लोग। तो अगर आपका भी वृश्चिक राशि या फिर वृश्चिक लगन है तो ये वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखते रहिए, और अगर आपके किसी करीबी का भी वृश्चिक राशि या लगन है तो उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो का टॉपिक। वृश्चिक राशि जोडियक साइन में 8 नंबर राशि है। ये एक जल तत्व की राशि है। इस राशि का जो स्वामी ग्रह है वो है मंगल देव। वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक इंट्रोवर्ट नेचर इनके अंदर देखा गया है, मतलब खुद में रहना, अकेले रहना ये थोड़ा सा देखा गया है, क्योंकि इनके जो साइन है उनसे ही इनको ये एनर्जी मिलता है, मतलब थोड़े से इंट्रोवर्ट फेमिनाइन एनर्जी जिसको हम बोल सकते हैं वो इनमें ज़्यादातर देखा गया है। अब देखिए, 8 नंबर की राशि होने की वजह से वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं वो थोड़े से मिस्टीरियस किस्म के होते हैं, थोड़े से इनका नेचर सीक्रेटिव रहेगा। इसीलिए आप लोग वृश्चिक राशि या लगन वाले से बात करके इनको कभी भी पहचान नहीं पाएंगे, मतलब इनके अंदर क्या चल रहा है, ये अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये आप पता नहीं कर पाएंगे। एंड ये एक बिग प्रॉब्लम रहेगी आपके लिए कि पता करना कि वृश्चिक राशि या लगन वाले अगर है सामने तो इनके मन में आखिर चल क्या रहा है। पर दूसरी तरफ जिसकी भी वृश्चिक राशि या लगन है वो आपके मन में क्या चल रहा है वो बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं, मतलब वृश्चिक राशि या लगन वाले लोग दूसरे के माइंड में क्या अभी चल रहा है वो इनको बहुत जल्दी पता चल जाता है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। कोई भी काम इनको आप दे दो तो ये बहुत ही फोकस्ड एंड डिटर्मिनेशन के साथ वो काम कंप्लीट करेंगे। मंगलदेव की राशि होने की वजह से ये लोग निडर होते हैं। ये लोग किसी भी चीज़ से नहीं डरते हैं। ये लोग हमेशा सत्य की खोज में रहते हैं। कोई भी आंसर अगर ढूंढना हो किसी भी चीज़ का तो ये लोग डेप तक जाते हैं। ये एक रिसर्च मेंटलिटी के लोग होते हैं। वृश्चिक राशि के लोग बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। इनको आप कोई भी बात कह दो और अगर आप बोल दो कि ये मेरा बहुत बड़ा सीक्रेट है, ये तुम किसी को मत बताना, तो ये आपके वो बात को सीक्रेट ही रखेंगे। ये कभी भी उस बात को किसी भी अदर पर्सन के सामने जाहिर नहीं करेंगे। ये इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। वृश्चिक राशि के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होते हैं, मतलब इनके कोई भी पुराने दोस्त या फिर कोई भी दोस्त अगर मुसीबत में हो तो ये लोग उनके हेल्प करने में ज़रूर वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब दूसरी तरफ देखिए, वृश्चिक राशि के लोग बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं ये तो मैंने कह दिया, पर ये लोग बहुत अच्छे शत्रु भी होते हैं, मतलब ये जितनी अच्छी तरीके से दोस्ती निभाते हैं उतनी अच्छी तरीके से दुश्मनी भी निभाते हैं। इस राशि के अंदर रिवेंज लेने की एक जो मेंटलिटी है वो देखी गई है। शत्रुता ये राशि बहुत अच्छी तरीके से निभाती है। अगर ये राशि किसी को शत्रु मान ले तो फिर उसके साथ वो कभी भी दोस्ती नहीं रख सकते या फिर कोई भी पैचअप वगैरह में ये नहीं जाएंगे। तो आप लोग वृश्चिक राशि या लगन वाले को कभी भी अपना शत्रु मत बनाइए। ये इनके अंदर एक बदला लेने की जो भावना है वो भी देखी जाती है और ये बहुत ख़तरनाक है ये चीज़। अब जानते हैं इन लोगों की पर्सनैलिटी कैसी होती है या फिर ये लोग दिखने में कैसे होते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों के जो फीचर्स है, फेशियल जो फीचर्स है वो बहुत ही शार्प होते हैं। इन लोगों में एक मैग्नेटिक लुक देखा गया है, बहुत ही चार्म होता है इन लोगों के अंदर जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। इन लोगों की जो वॉइस है वो भी बहुत दमदार देखी गई है। ये लोग
मंगल प्रधान राशि होने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड पर्सनालिटी इन लोगों के अंदर देखी गई है। अब जानते हैं इन लोगों के लव लाइफ और मैरिड लाइफ को लिए। लव लाइफ या मैरिड लाइफ की अगर बात की जाए तो ये लोग बहुत ही पैशनेट लवर होते हैं। आठ नंबर साइन की राशि होने की वजह से ये लोग बहुत ही कामुक राशि है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग किसी भी रिलेशनशिप में बिना सोच समझ के वहाँ पे जंप कर जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग बहुत सोच समझने के बाद ही पार्टनर चूज़ करते हैं। ये लोगों को ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो और इनके साथ लॉयल रहे। ये राशि खुद भी बहुत लॉयल रहती है अपने पार्टनर के साथ, मैरिज रिलेशनशिप में भी ये लोग लॉयल ही रहते हैं। पर इनके दिल के अंदर जगह बनाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है, इन लोगों के मन में हमेशा एक शंका चलती रहती है। तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इनके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए, क्योंकि ये लोग मतलब कभी भी पूरी तरीके से आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। वक्त दीजिए अपने रिलेशनशिप को, अपने मैरिज को, तभी ये सक्सेसफुल होगा। अब जानते हैं इन लोगों के करियर के बारे में। ये लोग बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, किसी भी चीज़ से नहीं डरते, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। तो इसी वजह से देखा गया है पुलिस विभाग इन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है, या फिर जासूसी से रिलेटेड कोई भी काम, डिटेक्टिव, ये बहुत अच्छे बनते हैं। मेडिकल प्रोफेशन में भी ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, डॉक्टर, नर्स, बहुत अच्छे बन सकते हैं ये लोग। इंजीनियरिंग फील्ड में भी अगर जाना चाहे वहाँ भी ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब जानते हैं इन लोगों की लकी थिंग्स। लकी थिंग्स की अगर बात की जाए तो लकी डेट ट्यूसडे या मंगलवार, लकी कलर रेड, लकी स्टोन रेड कोरल या फिर मुगा, और लकी नंबर 9 से रिलेटेड कोई भी नंबर, 9, 27, 72, कोई भी नंबर। पर कुंडली का पूरा विश्लेषण करवाने के बाद ही आपको स्टोन धारण करना है, सिर्फ राशि के अनुसार स्टोन नहीं धारण करना है। सो दिस इज माय एनालिसिस ऑन साइन ऑफ स्कॉर्पियो। जिन जिन लोगों का स्कॉर्पियो साइन है उनको आशा करती हूँ बहुत कुछ जानने को मिला होगा, या फिर अगर आपके पार्टनर का भी वृश्चिक राशि या लगन है तो भी आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिल गई होगी। सो अगर आपको अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों तक भी मेरी जो वीडियो है वो पहुँच सके। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।